हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चंद्र शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो करंट होता है, जैसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसको आप लोग टेंसर भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को करंट को एक वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ी फिजिक्स में, तो इसीलिए एक टॉपिक का आविष्कार हुआ जिसका नाम है स्टूडेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी को स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं वेक्टर जे से, और इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए। मतलब करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया। और स्टूडेंट्स, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हमारा एक कंडक्टर है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारा एक क्या है, कंडक्टर है, जिसमें हमारा करंट का स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है करंट का। तो करंट को स्टूडेंट्स मैंने आई कह दिया है, और इसमें मैंने एक थोड़ा सा एरिया ले लिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें माना है। तो इसमें थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि ये जो जे है, इसका जो डायरेक्शन होगा स्टूडेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की जो स्टूडेंट खासियत होती है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जो वेक्टर जे का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो सेम होगा, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो हमारा जो करंट डेंसिटी होता है, उसका डायरेक्शन सेम होता है एज ए डायरेक्शन ऑफ करंट। तो भाई करंट भी इस तरफ जा रहा है, तो जो हमारे जो हमारा वेक्टर जे है, वो भी स्टूडेंट क्या जाएगा, इस तरफ जाएगा। और स्टूडेंट, जो हमारा वेक्टर ए, जो हमारा ए होता है एरिया, ठीक है, जिसको मैंने एरिया कह दिया है, जो एरिया होता है वो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है स्टूडेंट, सीधी सी बात है, टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा वेक्टर जे है, उसका डायरेक्शन सेम होता है एज ए डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो हमारा एरिया होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम स्टूडेंट्स वेक्टर ए की बात करें, तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा वो होगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखेंगे कि जो वेक्टर जो उसका डायरेक्शन सेम होगा एज ए डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हमारा एरिया जो है वो स्टूडेंट्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो एरिया वेक्टर है वो स्टूडेंट्स क्या होगा, पैरेलल होगा। और स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि जो एरिया और एरिया वेक्टर है वो स्टूडेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए अगर एरिया है तो स्टूडेंट वो परपेंडिकुलर होगा टू डायरेक्शन ऑफ करंट के, और अगर एरिया वेक्टर है तो वो स्टूडेंट्स क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जो एरिया होगा वो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार का होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एरिया को मैंने यहां पर डीए लिख दिया है। तो ये स्टूडेंट, ये तो परपेंडिकुलर का केस था, बहुत आसान सा केस था ये। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई दूसरा केस आ जाए जिसमें कि करंट का डायरेक्शन मान लीजिए ये है, और जो आपकी बार आपकी वो जो एरिया है स्टूडेंट कुछ इस प्रकार का है, मान लीजिए कुछ अदर शेप है इसकी, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आप करंट डेंसिटी निकालेंगे वो भाई मेरे आई अपॉन ए तो होगी होगी, ये तो कंफर्म है, आई अपॉन ए तो होगी होगी। अगर हम एरिया की बात करें, तो एरिया अभी मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द करंट होगा। मतलब परपेंडिकुलर, आप देख लीजिए कि अभी हम लोग को परपेंडिकुलर स्टूडेंट इस केस में अभी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग परपेंडिकुलर वाला केस ढूंढेंगे। देख लीजिए कि ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो स्टूडेंट इस तरफ है, तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो स्टूडेंट ऊपर साइड का होगा, यहां पर से कुछ इस साइड का। तो यहां पर से जो एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा वो स्टूडेंट क्या होगा, थीटा होगा। तो यहां पर जो है जे बराबर आई अपॉन ए तो होगा ही होगा, लेकिन यहां पर ए कॉस थीटा यहां पर हो जाएगा। इस हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम वेक्टर वाली बात करें तो वो स्टूडेंट पैरेलल होगा कुछ इस प्रकार से, तो यहां पर जो एरिया होगा वो स्टूडेंट इसके पैरेलल होगा, और अगर हम इस पर बात करें स्टूडेंट जो मतलब डायरेक्शन जो होगा वो पैरेलल होगा, तो देख लीजिए तो इस तरफ से जो है यहां पर से आपका जो करंट होगा वो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। तो जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, मतलब इसका निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि अगर आपके सामने सीधे सीधे आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो आप जे बराबर आई अपॉन ए से सीधा सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपको कोई और रेगुलर मतलब इररेगुलर शेप आ रही है, तो जे बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा, वहां पर आपको कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करानी होगी। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो जे बराबर आई अपॉन ए अभी मैंने आपको बताया, और जो करंट की जो यूनिट होती है वो होती है स्टूडेंट्स एम्पियर, और एरिया की यूनिट आपको सभी को पता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मेरे भाई एम्पियर ऑफ़ मीटर स्क्वायर। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इससे छोटा सा टॉपिक था करंट डेंसिटी। तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो यूजफुल लगे हो तो प्लीज स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताएं।